कुछ दिन पहले हमने करी थी अपनी बाइक के अंदर एक छोटी सी मॉडिफिकेशन, हमने सोचा भाई आप लोगों के साथ वो शेयर की जाए। तो जो ये वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और जो R3 ओनर्स हैं उनके लिए भी भाई काफी फायदेमंद साबित होगी मेरे हिसाब से। जैसे लास्ट वीडियो मैंने R6 की थ्रॉटल टिप्पी बनाई थी, वैसे ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मॉडिफिकेशन बिल्कुल सिंपल सी है, ये चाइनीज पॉकेट देख रहे हो आप, ये लगाया है मैंने निंजा 300 का। पहले इसमें R3 वाला लगा हुआ था, अब लगा दिया है मैंने निंजा 300 का। तो निंजा 300 का चैन स्पॉकेट लगाने से मेरे को फायदा ये हुआ है कि जो मेरी बाइक की टॉप स्पीड है वो हर गियर पे इंक्रीज हो गई है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट गियर से लेके और लास्ट गियर तक मेरी जो बाइक की स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है। 4000 RPM पे फाइनल गियर पे मैं चला रहा हूँ, मतलब छठे गियर में 4000 RPM मैंने दिए हुए हैं, तो मेरी जो बाइक की स्पीड होती थी वो होती थी लगभग 64 km/h। लेकिन अभी मैं ये वाला चैन स्पॉकेट चेंज कराने के बाद छठे गियर में चलाता हूँ 4000 RPM पे, तो आप देखना कि मेरी बाइक की स्पीड कहाँ जाएगी। तो मैं दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा आपको, इसके प्रोस भी और कॉन्स भी, मतलब नुकसान भी और फायदे भी, दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये लगवाने से मेरे को क्या फायदा हुआ है और क्या क्या नुकसान हुए हैं। ठीक है, सो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। अभी टाइम हुआ है लगभग 4:15 शाम के। तो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ राइडर। वैसे आज दिन है 2 अक्टूबर और हमारा बर्थडे भी है आज। आज हमारी एज हो गई है 37 की। कावासाकी से जो इसकी कॉस्टिंग है रियर चैन स्पॉकेट की वो है लगभग 3,500 रुपए के आसपास, और मेरे एक दोस्त की वर्कशॉप है, मैंने वहां से ये चेंज कराया, मेरे लगे लगभग 500 या 600 रुपए उसमें। लेकिन गाइस बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात ये है कि भाई इसको लगवाने के बाद बाइक चलाने में अलग ही मजा आ रहा है भाई, अलग ही बाइक फील दे रही है। तो वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ भाई। देखो ये चीज समझने के लिए ना आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई टॉप स्पीड कैसे इंक्रीज हुई है इस बाइक की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो R3 का जो रियर चैन स्पॉकेट होता है वो होता है 43T का, ठीक है, और आगे वाला जो होता है वो होता है 14T का, और निंजा 300 का जो रियर स्पॉकेट होता है वो होता है 42T का, और फ्रंट होता है 14T का ही। मतलब फ्रंट जो है सेम है और रियर वाला जो है वो छोटा है 1 टीथ, ठीक है। अब 43 डिवाइडेड बाय 14 अगर आप करते हो तो R3 के जो फाइनल गियर की रेशियो है ना वो आती है 3.071, ठीक है। अब अगर मैं यही कैलकुलेशन निंजा 300 के साथ करता हूँ तो उसमें आता है 42, 14 और 3, ठीक है। तो निंजा 300 का जो फाइनल गियर रेशियो है ना वो है 3, और R3 का जो फाइनल गियर रेशियो है वो है 3.07। भाई अगर अपनी देसी लैंग्वेज में बोलें तो भाई सिंपल सी बात, मैं एक बात जानता हूँ, निंजा 300 का जो रियर वाला चैन स्पॉकेट है ना वो आगे वाला जब 3 चक्कर लेगा तो पीछे वाला 1 चक्कर लेगा, ठीक है ना। मतलब आगे वाला अगर 3 बार घूमेगा तब पीछे वाला 1 बार घूमेगा। तो कहने का मतलब यही है कि मैंने इसमें 42 teeth वाला चैन स्पॉकेट लगवा लिया है, जिससे मेरी बाइक की जो टॉप स्पीड है हर गियर में वो इंक्रीज हो गई है। अब बाइक को चेक करवाने के लिए भाई अपने को आना पड़ा है नेशनल हाईवे नंबर 1 पे, जो है मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर ही, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। लेकिन यहाँ पर भाई कैमरों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कैमरे इंस्टॉल कर दिए बहुत सारे। तो चलते हैं नेशनल हाईवे नंबर 1 पर, जो कि अब हो चुका है NH44। वैसे आपको बता दूँ ये रास्ता सीधा लद्दाख जाता है लद्दाख सच पास भी जाता है। सो गाइस बैठते हैं बाइक पे और चलते हैं हाईवे की तरफ। आई होप कि मेरी जो वॉइस है वो सही रिकॉर्ड हो रही हो, क्योंकि भैया ये GoPro Hero 8 कभी कभी वॉइस रिकॉर्ड करना भूल जाता है। सो गाइस ये आ गए हम हाईवे पर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी मैंने लगा दिया है छठा गियर, ठीक है, और मैं आ गया 4000 RPM पर। तो 4000 RPM पे क्या होता है, जो बाइक होती है ना अगर ये स्टॉक रियर स्पॉकेट होता तो मेरी बाइक लगभग 64 km/h चल रही होती। अभी देखो 70, थोड़ा डाउन करता हूँ RPM, देखो 70, मतलब 69 और 70 के आसपास मेरी बाइक 4000 RPM पे चलने लग रही है। और 6000 RPM पे मैं जाता हूँ तो नॉर्मली जितनी भी R3 हैं वो चलती हैं लगभग 94 या 96 के आसपास, ठीक है। और अभी आप देखना कि 6000 RPM पे बाइक कहाँ पहुँचेगी, ये देखो थोड़ा सा नीचे कर लूँ, 101, मतलब 96 km/h चलती है स्टॉक स्पॉकेट में, और इस स्पॉकेट में चल रही है मेरी बाइक लगभग 101 km/h के आसपास। तो भाई इससे मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि सेम RPM पे जो मुझे 94 km/h की स्पीड मिलती थी वो मुझे मिल रही है 101 km/h, यानी कि सेम RPM पे मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है।
और मेरा टाइम भी कम लग रहा है, और अगर मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा हूँ सेम आरपीएम पे, तो भाई मुझे माइलेज भी बढ़िया मिल रहा होगा, समझ रहे हो। तो लास्ट टाइम जब मैं सचपास की ट्रिप करके आया था तो 10 लीटर में मैंने एवरेज नापा था अपनी बाइक का, तो मेरी बाइक लगभग 300 किलोमीटर के आसपास चली थी, तो यानी कि मुझे 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल गया। कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान भी है, मैं आगे बताऊँगा कि क्या नुकसान है क्या कौन से हैं, ठीक है। पहले कैमरे का ध्यान रख लेते हैं, ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे ना अपन, स्पीड वाले खड़े हुए हैं आगे। बस यार गोप्रो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना मज़ा नहीं आएगा, दोबारा शूट करने आना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस चीज़ के बारे में बताया था मुझे मेरे दो दोस्तों ने, एक मेरे दोस्त हैं मुंबई के डेलजेड और एक है मेरे दोस्त हैदराबाद के प्रागना, ठीक है। उन दोनों ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था, उन्होंने मुझे बोला कि शानू तुझे टूरिंग करने का शौक है तो टूर मारता रहता है, मतलब जाता रहता है, तो तू एक काम कर निंजा 300 का चाइनीज पॉकेट लगवा ले रियर में, और हाईवे पे तेरे को बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी और माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाएगा। माइलेज की बात भी आगे बताऊंगा मैं कि माइलेज किस कंडीशन में मिलता है, क्योंकि माइलेज की ना भाई कंडीशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया माइलेज मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चलते रहना, वीडियो पूरी देखना। तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया इस चीज़ के बारे में, दोनों ने ही, प्रागना ने भी और डेलजेड भाई ने भी, और भाई मैं उनको बहुत कुछ मानता हूँ, उनकी नॉलेज को उनके ज्ञान को, भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर हैं दोनों भाई, और मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ऐसे भाई मिले हुए हैं जो मुझे ऐसी चीज़ें सजेस्ट करते रहते हैं, ऐसी सलाह देते रहते हैं, ऐसी एडवाइस देते रहते हैं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, देखो अभी कोई इंटरसेप्टर तो नहीं है ना आगे, नहीं, ठीक है। ये देखो अभी मैं 7000 पर बाइक ले जाऊँगा अपनी, और आप देखना कि मेरे को क्या स्पीड मिलेगी। मैं थोड़ा सा लीन हो जाऊँ, ये देखो भाई साहब बाइक रॉकेट बन जाती है, सच बता रहा हूँ। मतलब बाइक ऐसा लगता है कि यार मैं R3 नहीं चला रहा, कोई थोड़ी हैवी बाइक चला रहा हूँ, ज़्यादा मतलब BHP वाली बाइक चला रहा हूँ, तो मतलब मज़ा सा आता बाइक चलाने में। और जब आपको कम RPM पे ज़्यादा स्पीड मिलेगी ना, तो भाई आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर लोगे, तो ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगी इस। मतलब 7000 RPM पे मैं ले जाता हूँ उसको, तो ये बाइक पहुँच जाती है लगभग 120 के आसपास, ठीक है। ये पहुंच गई, देखो ये देख रहे हो। और भाई इसको लगाने से ना कोई हार्म नहीं हुआ अभी तक मेरी बाइक में। मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेजेस पढ़े थे अपने ग्रुप के अंदर ही, कुछ हैं एडवोकेट टाइप लोग, तो वो मतलब पता नहीं क्या क्या अपनी कहीं फलाना हो जाएगा ढिमकाना हो जाएगा। भाई मेरे को 1.5 महीना यूज़ करते करते हो गया, मेरे को अभी तक कोई दिक्कत तो लगी नहीं इस बाइक में, ठीक है। एक चीज़ हाँ मैं बता देता हूँ, देखो अब कौनस की बात आई है तो कौनस की बात कर लेते हैं। इसके मेरे कुछ कौनस लगे हैं, कुछ नुकसान लगे हैं इसको लगाने से, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा हुआ है नुकसान के मुकाबले। जब आप ये लगवाओगे तो एक टीथ कम हो जाएगा, ठीक है, 43 से 42 पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो होगा क्या, जो चैन एडजस्टर है ना हल्का सा पीछे पहुंच जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि भाई आपको चैन की कड़ी निकलवानी पड़ रही है या लिंक कम करवाना पड़ रहा है, बस हल्का सा पीछे आ जाएगा, बाकी और कोई इसका कौनस नहीं है, ठीक है, चैन को लेके। अब एक चीज और बता देता हूँ, देखो जो मैंने माइलेज की बात करी है ना, माइलेज बताया है मैंने आपको प्लेन रोड पे, जैसे ये हाईवे है ना और आप एक इक्वल स्पीड पे एक इक्वल RPM पे क्रूज करते चले जा रहे हो, बाइक को भगाते चले जा रहे हो या चलाते चले जा रहे हो, तो आपको माइलेज बहुत बढ़िया मिलेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 30+ माइलेज निकाल दिया R3 पर, कोई यकीन नहीं करेगा लेकिन ये हकीकत है। मैंने 300+ बाइक चलाई है, मतलब 10 लीटर फ्यूल के अंदर मैंने 317 या 318 किलोमीटर बाइक चलाई है 10 लीटर फ्यूल में। अब हाईवे के बाद नंबर आता है हिल्स का, तो देखो भाई जब आप इसको हिल्स पे लेके चलोगे ना तो टॉर्क की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कम टीथ वाला है तो टॉर्क ज़्यादा चाहिए, टॉर्क इंजन ज़्यादा उठाएगा तो माइलेज कम कर देगा, ठीक है। तो हिल्स पे थोड़ा सा माइलेज कम हो जाता है, लेकिन इतना नहीं है कि भाई बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ ये है कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा माइलेज पर, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, एक तो ये चैन एडजस्टर जो है वो हल्का सा पीछे आ जाएगा, ठीक है, हिल्स पे थोड़ा सा माइलेज आपको कम मिलेगा। और तीसरा और बता देता हूँ आपको, तीसरा है ये कि भाई इनिशियल जो पिकअप है ना उसमें आपको हल्का सा फ़र्क मिलेगा। इनिशियल जो पिकअप है ना, इनिशियली जो पिकअप है वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा स्टॉक के कंपैरिजन में, ठीक है। जो इसका स्टॉक स्पॉकेट है उसमें इनिशियल पिकअप एकदम से आता है, रॉकेट की तरह भागती है बाइक, लेकिन इस स्पॉकेट में आपको इनिशियल पिकअप कम मिलेगा। बट जो टॉप एंड है, टॉप एंड आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। मान लो आप निंजा 300 से रेस लगाते हो और या RC 390 से रेस लगाते हो, तो RC 390 निकल जाएगी, बट बहुत कम टाइम में RC 390 को ये पीछे छोड़ देगी, और जो पहले टॉप स्पीड थी ना उससे भी ज़्यादा इसकी टॉप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एक चीज़ और है मैं आपको बता देता हूँ, R3 के अंदर है कुछ स्पीडो एरर, मतलब कि 8-9 किलोमीटर पर आवर का स्पीडो एरर है इसके अंदर, इसके OEM स्पॉकेट पे। मैंने वही एरर इसी स्पॉकेट पे चेक किया, तो वो 8-9 किलोमीटर पर आवर से लेके ना
5 to 4 किलोमीटर पर आवर पे आ गया। अब भाई 4 to 5 किलोमीटर पर आवर का एरर में काउंट नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता वो। इतना तो जैपनीज कारें जितनी होती ना सब में वही मिलेगा। मैंने अपनी स्विफ्ट के अंदर चेक करके देखा, उसमें भी इतना ही एरर है, और भी बहुत सारी गाड़ियों में मैंने एरर चेक किया, उनमें भी इतना ही है। तो इसको लगवाने का मेरे को यही फायदा हुआ कि भाई मेरे को हर गियर में स्पीड अच्छी मिल रही है और हाईवे पे माइलेज भी ठीक मिल रहा है। तो भाई मेरे को तो ये चीज़ सूट कर गई है, और कोई अभी तक कोई ड्रॉबैक नहीं आया इसके सामने, ना ही कोई डिसएडवांटेज आया कि भाई मैं ये कह दूँ कि दिक्कत आ रही है। जो कौन से मैंने आपको बता दिए, इनिशियल पिकअप भी यार मुझे इतना फील नहीं हो रहा। हाँ एक चीज़ का और फ़ायदा हुआ है कि भाई इसमें ना थोड़ा सा जहर काता था ना स्टार्टिंग में, जहर काता था वो ख़त्म हो गया, वो जहर ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो 3.0.71 रेशियो से मेरे को पूरी एग्जैक्ट 3 रेशियो मिल रही है, मतलब फाइनल गियर रेशियो जो है वो 3 मिल रही है। तो मेरा तो भाई फायदा ही हुआ है, और मैं टूरिंग वाला बंदा हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें चाहिए थी और ये सब चीज़ें जरूरी थी भाई, क्योंकि यार टूरिंग करते वक्त हाई स्पीड पर जितना ज़्यादा माइलेज मिल जाए उतना ही बढ़िया है। मैंने अभी तक इसके मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर कितना जाता है फुल RPM पे वो अभी चेक नहीं करा, क्योंकि वैसे स्टॉक वाले को तो चेक कर रखा है, इसको नहीं चेक करा। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कितना जाता है, फर्स्ट गियर में कितनी जा रही है। भाई इंटरसेप्टर ना लगे हों इसलिए मैंने स्पीड ड्रॉप मार दी। भाई मैं एक बात जानता हूँ भाई, टॉप एंड बहुत बढ़ गई है इस बाइक की, एक बार और देख लेते हैं 5.5 में कितनी जा रही है। गियर रेशियो जो है बहुत टाल हो गए भाई, अरे यार हट जाओ। नहीं चेक हो पाएगा भाई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, देखते हैं आते हुए चेक करते हैं, अगर होता है तो यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। भाई बाइक ऐसा फ्लो बना देती है कि लगता है कि यार रुकेगी नहीं, अब भागती चली जाएगी। आज भी भगाने में भाई साहब मज़ा आता है, इसको चलाने में हाईवे पे मज़ा आता है यार, कंफर्ट पोस्चर के साथ कंफर्ट हैंडलिंग। तो भाइयों मैं ये कह रहा था कि टॉप स्पीड तो मैं आपको नहीं चेक करवा पाऊँगा क्योंकि हाईवे पे रश बहुत ज़्यादा है, और जो मेन चीज़ आपको बतानी थी, जो मेन इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। एंड में यही कहूँगा कि भाई मेरे को एक बहुत अच्छी स्पीड मिली है हर गियर पे, मतलब स्पीड इंक्रीज हो गई मिली है और माइलेज भी इंक्रीज हो के मिला है। नुकसान बस यही है कि जो मेरा जो चैन एडजस्टर है स्प्रॉकेट है वो ज़्यादा पीछे चला गया, और भाई आपका जो इनिशियल है वो हल्का सा कम मिलेगा, बट आपको फील नहीं होगा। लेकिन नुकसान के मुकाबले फ़ायदे ज़्यादा हैं, एक तो जर्क कम हो गया बाइक के अंदर, माइलेज बढ़ गया बाइक का, टॉप स्पीड इंक्रीज हो गई है, तो भाई फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान कम है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही था कि भाई आप लोगों तक ये जानकारी जा पाए, आप अपनी R3 के अंदर करके देखो ये मॉडिफिकेशन, और बताना कि भाई मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में या नहीं मज़ा आ रहा है। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। पोजीशन ले लो, थोड़ा सा डाउन हो जाओ, ऑसम भाई ऑसम।